Socrates rightly said that in order to be irreplaceable, one must always be different. Dear fan apps of Agape Sisters, we welcome you all to another episode of Talk with Agape Sisters Season 2, which is to celebrate a man who lives the true meaning of influencing and trendsetting, and above all, representation of raw made to purity. हमारे आज के गेस्ट ने बाखूबी प्रूफ किया है कि ट्रेंड फॉलोइंग फैशन नहीं बल्कि ट्रेंड सेटिंग इन ट्रू सेंस इज फैशन. आवर टुडेज गेस्ट इज अ म्यूजिक कंपोजर हु शेप्ड द स्टैटिक म्यूजिक एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्शिप सॉन्ग्स टू डायनामिक्स. आज के हमारे गेस्ट क्रिश्चियन इंस्पायरेशन है. ही इज वन ऑफ दोज पीपल हु डजंट फॉलो द ट्रेंड्स, ही सेट्स देम. वी हैव विद अस अ मैन हु डजंट अडैप्ट द एनर्जी, रादर इन्फ्लुएंसेस हिज एनर्जी wherever and in whatever he does. Let's welcome Anthony Sushil Shah, aka Moon Bhai. So here's a small levy on his achievements. Hello viewers, and thank you so much Jane and Jewel. I'm so humbled and so encouraged, and so I'm feeling so happy to see you both growing every day along with so much knowledge, and along with so much, you know, you're growing in wisdom and you're growing in biblical knowledge. God bless you, and thank you so much for inviting me. Thank you so much, Moon Bhai, for taking out your time and coming in Talk with Agape Sisters Season 2. So without further delay, let's get on with the questions. Sure. Moon Bhai, you have done a huge number of productions. Do you have a proper record? I mean, that how much gospel productions have you done so far? Actually, to be very true, I am producing from last 25 years or more than like that. But सोचा है अक्सर मैंने ये कि कभी काउंट करना चाहिए, बट टू बी वेरी ट्रू जब भी मैंने कोशिश की है मैं कर नहीं पाया. सो थैंक्स टू गॉड ऑलमाइटी, लाइक देर आर हंड्रेड्स ऑफ गीत्स जो कि मुझे याद भी नहीं है कुछ तो, बट थैंक्स टू गॉड फॉर दिस. आप एक अच्छे म्यूजिशियन थे और हैं भी, प्रोडक्शन का कैसे ख्याल आया? एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो मुझे नहीं लगता मैं इतना अच्छा म्यूजिशियन हूँ, या मुझे तो अभी ये भी नहीं लगता कि मैं कोई बहुत अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूस करता हूँ. बस खुदावन का शुक्र है, मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं और आप जैसे बच्चों की और हमारे भाइयों की बहनों की कम्युनिटी की दुआएं हैं कि ये सब हो जाता है. प्रोडक्शन का ख्याल इस तरह से आया कि जैसे अभी आप छोटे हो तो मेरी बेटी इज़ द यंगर वन इज़ 19, द सेकेंड वन इज़ 17 एंड द थर्ड वन इज़ 10 ईयर्स ओल्ड. तो वो जो बड़ी वाली थी वो बिल्कुल छोटी थी, तो हमने कोई सीडी सुनी गॉस्पल और उसने उसको थोड़ा सा, यानी कि जैसे बच्चे कह देते हैं ना कि दादा ये तो पेंडू सा थोड़ा म्यूजिक है, उस तरह का उसने कह दिया कुछ, वो मेरे जहन में बात लग गई. उस टाइम मैं अली ज़फ़र के साथ प्ले करता था जो अली ज़फ़र सिंगर है, तो फिर मुझे ये एहसास हुआ कि आई हैव टू यू कैन से म्यूज़िक को नई शेप देनी चाहिए, गॉस्पल म्यूज़िक को भी अलॉन्ग विद द सेम, उसके अंदर सोल हो, उसके अंदर हमारी जो एक क्रिश्चियन फील है वो रहनी चाहिए, लेकिन उसका जो एक ओवरऑल साउंड है उसको थोड़ा सा मॉडर्न होना चाहिए ताकि आजकल की यंग जो यूथ है उसमें ऑब्वियसली ये थोड़ा पेनेट्रेट ज़्यादा कर सके. तो फिर मैं ये बात कर रहा हूँ आज से ऑलमोस्ट मोर देन 20 ईयर्स, मैं 2001 की बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर उस टाइम से लेकर आज तक जो है बस चल रहा है सिलसिला. मून भाई, घर में और स्टूडियो में किस बात पर गुस्सा आता है?
जब टाइम पे कुछ होता नहीं है, लोग टाइम पे नहीं आते और लोग लेट हो जाते हैं टाइम देके और मिस कमिटमेंट्स पे गुस्सा आता है, उसके अलावा मुझे गुस्सा नहीं आता। किस क्रिश्चियन आर्टिस्ट के साथ काम करके अच्छा लगता है और किसके साथ डिजायर है काम करने की? मुझे एनयर अंकल, खुदावन उनको जन्नत नसीब करें, ही वॉज अ लेजेंड। बहुत मज़ा आया मुझे उनके साथ काम करके, उनसे बहुत कुछ सीखा। और बेशुमार क्रिश्चियन ऐसे बड़े म्यूजिशियंस हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, जैसे राजा अंकल, राजा हैरिसन, ही लिव्स इन टोरंटो, रॉबिन जॉन, ही लिव्स इन यूएस, नोएल भाई, ही लिव्स इन टोरंटो, बेसिस्ट हैं, और बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं। और मेरी ख्वाहिश है, एक डॉन मोहिन है जो कि वर्शिपर हैं यूएस के, एंड ही इज़ अमेजिंग, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो आई विश के कभी मैं उनके साथ काम कर सकूं। We really love to listen to his worship song. He's a blessed man. He is. हारमोनियम के एक पीक टाइम में पियानो एंड अदर वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाए, मुश्किल तो पेश आई होगी? Actually yes, but मैंने इंट्रोड्यूस करवाया और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, सो इट वॉज सो ईजी फॉर मी कि जब मैंने उसको नया एक साउंड दिया जो कि एक पॉप साउंड चलता है जो कि लोग पूरी दुनिया में सुनते हैं, तो मैंने बस गीतों को उस पॉप साउंड के साथ बनाना शुरू किया और लोगों को वो पसंद आना शुरू हो गया, सो दैट्स ऑल। और मुझे था कि अगर लोगों को पसंद आएगा और अगर मेरे दिल को अच्छा लगता है, मेरे बच्चों को अच्छा लगता है, मेरी फैमिली को, मेरी मिसेज को, मेरी पेरेंट्स को, मम्मी डैडी को, तो मुझे यकीन था कि सबको अच्छा लगेगा और सबको वो, मेरा मोटिव ये था कि यूथ को आना चाहिए इस तरफ आज से। लाइक मैं इस पे काम तो 1995 से कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि प्रॉपरली प्रोड्यूस करना मैंने 2000 में शुरू किया और उसके बाद फिर उस वक्त से लेकर आज तक मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। हालेलुया बैंड का कैसे ख्याल आया? हम सब दोस्त हैं बहुत पुराने और हम सब काम भी करते थे, तो बैक इन 2008 आई वॉज इन टोरंटो, मैं टोरंटो में था और जो हमारे गिटारिस्ट हैं अमर कैनेथ, ही एंड मी आर प्रोड्यूसिंग म्यूजिक सेंस लाइक 1993। तो फिर बहुत सारा हमने गॉस्पल म्यूजिक भी लोगों के लिए प्रोड्यूस किया। सो इन 2008 जब मैं टोरंटो में था तो मैंने और अहमद ने टोरंटो में ये बैंड को फॉर्म किया। फिर मैं पाकिस्तान वापस आ गया आफ्टर 1.5 साल और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जाहिद भाई के साथ, जिशान भाई के साथ, सनी के साथ, हम सब ने इसको मिलके फॉर्म किया और बनाया और यहाँ पे म्यूजिक प्रोड्यूस किया, उसके वीडियोस बनाए और फिर हमने इसको प्रॉपरली यहाँ से लॉन्च किया। इन 4 सॉन्ग्स को आप कैसे कैटेगराइज करेंगे? फर्स्ट हजूरी हो दिए, सेकंड शगायुन, थर्ड मैं जिथे जावा यसु मेरे नाल नाल, एंड फोर्थ सारी दुनिया दी कब्रा विच कब्र इको खाली। मेरे 3 भाइयों और 1 बहन के अच्छे सुपर हिट गीत लाइक मेरा उनके साथ रिलेशन सबके साथ ऐसा है, फराज इज़ लाइक माई यंगर ब्रदर, दाइम भी बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह, रिबका इज़ नाउ आवर भाभी एंड सिस्टर, छोटी बहन है, और आरिफ भाई का मैं दीवाना हूँ। आरिफ भाई इज़ एन इंस्पिरेशन, ही इज़, मैं उनके लिए कोई वर्ड्स नहीं है, ही इज़ एन ऑसम पर्सन, अमेजिंग ब्लेसड मैन, कि जिनको देख के, सुन के, मिल के इंसान को खुशी होती है और इंसान को लगता है कि आपके सारे मसले ख़त्म हो गए हैं, तो वो एक इतने अच्छा। तो मेरा सबके साथ रिलेशन ऐसा है कि बस हम बैठते हैं इकट्ठे और म्यूज़िक करते हैं तो लगता है बस खुदावन का शुक्र है सब चीज़ों के लिए और अच्छी चीज़ बन जाती है। लेकिन आप कैटेगराइज कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है। कैटेगराइज ऐसे करूँगा, कैटेगराइज करना बड़ा मुश्किल है। रिबका इज़ लाइक, रिबका की जो आवाज़ है वो बहुत पसंद है मुझे, क्योंकि उसमें पाकिस्तानी हमारा देसी ईस्टर्न रॉ फ्लेवर है अलॉन्ग विद द कंटेम्प्रेरी यू कैन से के फ्लेवर है उसमें, और वो एक नई मॉडर्न चीज़ है। फराज और दाइम इतने सुरीले हैं कि मैं कहता हूँ खुदावंद हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी से ढेर सारे हज़ारों लड़के इस तरह गाना शुरू हो जाएं जैसे ये दोनों गाते हैं। और आरिफ भाई एक कंप्लीट प्रॉपर इंस्पिरेशन है पूरी यूथ के लिए कि अगर आप एक गॉस्पल सिंगर हैं, अगर आप एक वर्शिपर हैं, तो ही इज़ द मैन, इनको फॉलो करें। हालेलुया बैंड को आप कहाँ पर देखते हैं, क्या बात अच्छी लगती है और किसकी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है?
हम सबको बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. अच्छी बात सिर्फ ये है कि हम में से कभी कोई किसी से जेलस नहीं होता. हम वी आर लाइक अ फैमिली. हमें कभी किसी से आज तक, हमें 10 साल हो गए, बल्कि 12 साल हो गए इसको बनाए हुए, लेकिन प्रॉपरली पाकिस्तान में बनाए हुए 10 साल हुए हैं और हमें आज तक कभी आपस में इशू नहीं हुआ. हालांकि बैंड्स सुना है कि टूट जाते हैं तो, लेकिन हमें कभी ऐसा फील ही नहीं होता. और देखता मैं यहाँ पे हूँ कि अगर खुदावंद ने चाहा और अगर खुदावंद की मर्ज़ी हुई तो हम इसको एक ऐसा एशिया से निकल के बड़ा बैंड बनाएं जो कि हिल सॉन्ग या किसी भी दुनिया के फॉर किंग्स एंड कंट्री टाइप के बैंड्स के साथ जाके खड़ा हो जाए और अमेरिकन रिकॉर्ड लेबल से साइन हो जाए. सो मून भाई, गॉस्पल मीडिया कहाँ देखते हैं? गॉस्पल मीडिया इज़ ग्रोइंग लाइक एनीथिंग. मैं आपको बताऊँ कि गॉस्पल, पाकिस्तान का गॉस्पल मीडिया जो है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 10 साल के अंदर अंदर वो इतना छा जाएगा कि एशिया का सबसे बड़ा, अगर पाकिस्तान से कोई बड़ी चीज़ होगी तो वो पाकिस्तान का क्रिश्चियन गॉस्पल मीडिया होगा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. और उसमें मैं आपको फ्रैंकली ट्रूली बता रहा हूँ कि जितना आप दोनों को देखा जाता है, सुना जाता है, फॉलो किया जाता है, हमारे बच्चे जो आपको देखते हैं, आई एम सो हैप्पी. मेरे अपने घर में मेरी बेटियाँ, मेरी मिसेस, मेरे पेरेंट्स, मैं, हमारी पूरी फैमिली ऑल अराउंड द वर्ल्ड, मेरे बहुत सारे रिलेटिव हैं अमेरिका में, कनाडा में, सब के सब जे एन जून को देखते हैं. अपने बच्चों को कहते हैं देखा करो. और मुझे ये इतना पसंद है. ऑल ग्लोरी टू गॉड. और उसके बाद आपके पेरेंट्स के लिए मैं कहता हूँ हैट्स ऑफ टू शौकत भाई. वो हमारे सर हैं, हमारे सीनियर हैं, बहुत उनसे सीखने को मिलता है. आई एम सो हैप्पी. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द अप्रिसिएशन. आपकी एक बेटी भी गाती है. फ्यूचर प्लान क्या है उनके लिए? फ्यूचर प्लान ये है कि वो अच्छा गाना शुरू हो जाए. एक्चुअली अब मेरी दोनों बेटियाँ गा रही हैं. दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग एंड आई एम वेरी होपफुल अबाउट देम कि चलो वो आस्ता आस्ता सीखें. कुछ उन्होंने इकराम जॉन से सीखा है और कुछ सुलेमान अमानत साहब के पास भी वो जाती रही हैं बचपन में. उनके छोटी छोटी, जैसे आप बिल्कुल छोटी थे गा रहे थे, इस तरह के उनके कुछ आज से 2004-5 के भी वीडियोज़ हैं. तो और मैं उनको, बाकी भी हमारे जितने सीनियर लोग हैं, मैं कोशिश करता हूँ वो सीखती रहें सबसे कुछ ना कुछ. तो इस तरह से है, खुदावंद करें कि वो अच्छा गाना शुरू हो जाए. बहुत से लोग गॉस्पल प्रोडक्शंस कर रहे हैं, आई मीन म्यूजिक अरेंजमेंट. आपको कौन पसंद है म्यूजिक अरेंजमेंट? म्यूज़िक अरेंजमेंट में मुझे बहुत सारे लोग पसंद हैं. मुझे आकाश है, काशु मैं तो उसको शुरू से कहता हूँ, लेकिन आकाश परवेज़ है. और मैं बड़ा खुश होता हूँ, लास्ट 2-2.5 साल में मैं काफ़ी पाकिस्तान से बाहर रहा अपने कुछ कामों वगैरह के सिलसिले में. मेरा US और UK और UAE में बहुत ज़्यादा आना जाना रहा. तो मैंने देखा कि मेरे, जब मैं नहीं था और मेरे पीछे से बहुत सारे गीत निकले और मैं जब भी देखता था तो उन पे आकाश का नाम होता था. आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. दिस इज रियली हार्ड वर्क. दिस इज, आई एम सो हैप्पी क्योंकि मैं, आप लोग जाहिर सी बात है उसको जानते हो अभी 2-1 साल 3-6 साल से, लेकिन ही इज़ लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी और हम बहुत पुराने हैं. वी आर लाइक अ फैमिली. तो आई एम सो हैप्पी अबाउट हिम. फिर उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे पिंडी से बहुत सारे गीत बनते हैं, इस्लामाबाद से बनते हैं, कराची से बनते हैं, जैसे विक्टर नाज है, जैसे यहाँ पे वो हैं शुमैर भाई हैं अपने, और पिंडी वाले हैं वो जो स्टूडियो एक, वो बड़ा अच्छा बनाते हैं. मतलब सारे ही बहुत अच्छा लोग. मेन बात ये है कि खुदावन के नाम को जलाल मिलना चाहिए. वो मैं करूँ, कोई भी करे, कैसे भी करे, इट्स अ टीम वर्क, इट्स अ टीम एफर्ट. लोग कहते हैं कि आप ज़्यादा सोशल नहीं हैं. व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस? एक्चुअली मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं सोशल नहीं हूँ. मैं सिर्फ ये है कि मेरा आना जाना कम होता है जगहों पे, क्योंकि इसके अलावा मेरा गॉस्पल म्यूज़िक के अलावा मेरा दूसरे, जाहिर सी बात है, म्यूज़िक भी मुझे करना होता है और उसमें भी काफ़ी सारा कुछ काम होता है मेरा करने का. तो मैं सोशल शायद अपनी कम्युनिटी में शायद थोड़ा कम होऊंगा, लेकिन इसके अलावा मैं काफ़ी ज़्यादा सोशल हूँ. मतलब कि मेरे फ़ोन में ऑलमोस्ट कोई 4000 नंबर है. तो इतनी फ़ोन बुक तो किसी की भी नहीं होती. तो मेरी, मैं ऑलराउंड द वर्ल्ड, मैं बल्कि ये कह सकता हूँ कि मैं शायद पाकिस्तान में थोड़ा कम सोशल हूँ, अराउंड द वर्ल्ड ज़्यादा हूँ. तो बस इस तरह से है. सो मून भाई, लाहौर, कराची एंड इस्लामाबाद, 3 बड़ी गॉस्पल म्यूज़िक इंडस्ट्रीज, कैसे कैटेगराइज करेंगे? Everyone is doing very good, मुझे तो ऐसा लगता है. और कैटेगराइज करना मुश्किल है,
क्योंकि देखें अगर आरिफ भाई इस्लामाबाद से हैं या कराची से, हमारे बहुत सारे ढेर सारे गॉस्पल सिंगर्स हैं, फिर लाहौर से भी बहुत हैं। बस कैटेगराइज मैं ऐसे करूँगा कि चाहे आप राहत फ़तेह अली ख़ान को ले लें, या आतिफ असलम को ले लें, या अली ज़फ़र को ले लें, या अली सेठी को ले लें, या आप जुनून बैंड को ले लें, या पाकिस्तान के जितने भी बड़े आर्टिस्ट ले लें, वो अनफॉर्चुनेटली पंजाब से होते हैं। तो बस इसी तरह की कोई कैटेगरी है हमारी कि अभी भी लाहौर में भी बहुत, इवन कराची और इस्लामाबाद में भी बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत सारे अच्छा लोग काम कर रहे हैं। तो लेकिन ये है कि अच्छा है कि सब लोग लगे हुए हैं और अच्छी चीज़ें करने की कोशिश हो रही है। मोहन भाई खाने में क्या पसंद है? सब कुछ, एवरीथिंग। खाना अगर मर्जी का ना हो तो कैसा रवैया होता है? मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि खाना कभी मेरी मर्जी का नहीं होगा, क्योंकि लोग कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो शायद लोगों को पसंद नहीं होती, और मुझे सिंपल तरीन खाने से लेकर मुझे फैंसी तरीन खाने का, मैं हर चीज़ बस मेरे सामने आ जाए, मैं फूड लवर, मुझे बहुत पसंद है खाना, तो किसी भी तरह का उसको मैं इतने शौक से इंजॉय करता हूँ, मुझे कभी कोई इशू होता ही नहीं है। तो मोहन भाई, इससे पहले कि हम आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछें, हम आपसे छोटी सी गेम खेलना चाहेंगे, और गेम कुछ इस तरह है कि हम आपके सामने कुछ पर्सनालिटीज़ के नाम लेंगे, और पर्सनालिटी से रिलेटेड आपके माइंड में जो फर्स्ट वर्ड उनके लिए आएगा, आपने वो हमें बताना। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई हमसे पूछता है मून भाई, ये मुश्किल, तो हम मुश्किल गेम। तो हम उनको कहेंगे कमिटेड, डेडिकेटेड, ट्रेंडसेटर। थैंक यू सो मच। तो ऐसी गेम है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट पे भाई अदनान पीटर गिल, मेरा छोटा भाई। उसको मैं मार्केट भी मैं अपने साथ लेके जाता था, तो ही इज लाइक माय यंगर ब्रदर। सेकंड भाई दायम गिल, इंस्पिरेशन फॉर यूथ, और खुदा करे कि वो हमेशा इसी तरह, इससे भी ज्यादा गाता रहे। भाई आकाश परवेज, आकाश परवेज नेक्स्ट मून। उस्ताद परवेज फारिस, ओ लेजेंड, लेजेंड। भाई जाहिद नजीर, अरे जीते रहो। भाई फराज नैयर, फराज नैयर इज लाइक Another inspiration, और एक बहुत सुरीला और उतना ही अच्छा इंसान भाई एंड बेटा। भाई जुबिन अर्नेस्ट, जुबिन अर्नेस्ट, नेवर मेट हिम पर्सनली बट मुझे उसके गाने बहुत पसंद है, ही इज रॉक स्टार। भाई जावेद गैब्रियल, जावेद भाई इज उनका म्यूजिक जो है, मैं ये बात कहता हूँ अभी, मैं उनका नेक्स्ट एल्बम, आई एम सॉरी मैं दो मिनट लूंगा, कि जावेद भाई जैसा सुरीला गला, उनके जैसे लिरिक्स और उनके जैसा म्यूज़िक, अगर मैं कहूं कि मुझे 100% दिल से किसी का म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ही इज़ जावेद गैब्रियल। सो भाई सुहेल जोसेफ, ओह एक अवर्ल्ड मेकर, मैं आपको बताऊं, एंड इंस्पिरेशन फॉर डायरेक्टर्स, फॉर कैमरामैन, एक मीडिया के लिए ही इज़, मैं एक बात कहता हूँ, आई डोंट नो वो कहनी चाहिए कि नहीं, लेकिन पाकिस्तानी गॉस्पल मीडिया के अमिताभ बच्चन है वो। लास्ट अगापे सिस्टर्स, ओ बहुत प्यारे बच्चे, और आई विश हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी की सारी बेटियां इसी तरह तरक्की करें, चमकें, और खुदावन के नाम को जलाल दें। सो आई होप मून भाई आपने गेम को एंजॉय किया होगा बहुत ज्यादा। सो एंड में आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं व्यूवर्स को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जब हमने म्यूज़िक शुरू किया था, या हम लोगों ने इस सारी चीज़ को तरतीब देना शुरू किया था, या हमने कोशिश की थी कि हम पाकिस्तान में गॉस्पल म्यूज़िक का लेवल और इसको हम कंटेम्प्रेरी बनाएं, थोड़ा सा मॉडर्न करें, उस फील के साथ करें कि जो चर्च की फील है, तो उस वो वक्त बहुत मुश्किल था, लोगों में एक्सेप्टेंस बहुत कम थी। अब लोग आपको देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, सबको देखते हैं, तो मेरा सिर्फ एक ही मकसद होता है कि मैं और मेरे जैसे जितने भी लोग हैं, चाहे वो वीडियोस बनाएं, चाहे वो ऑडियोस बनाएं, उसमें चर्च म्यूज़िक की फील को हमें ज़रूर जेहन में रखना चाहिए, चर्च म्यूज़िक की फील को ख़राब नहीं करना चाहिए। हमारा पंजाबी म्यूज़िक होता है, हमारा देसी होता है, तेज़ हो, स्लो हो, व्हाटएवर हो, लेकिन एक जो चर्च, एशियन चर्च की जो फील है, उसको ख़राब नहीं होना चाहिए। हम तबला भी यूज़ करें, ढोलक भी करें, हारमोनियम करें, सब कुछ करें, और हम ऐसी चीज़ करें कि जिससे वाकई खुदावन के नाम को जलाल मिले, तारीफ़ हो, हम मजाक ना बने दूसरे
कम्युनिटी के लोगों के सामने हमारा गॉस्पेल म्यूजिक मजाक ना बने, बस दिस इज द मेन थिंग. Thank you so much for that wonderful message, and once again thank you so much for joining us in our show. So I hope viewers आप सब ने बहुत enjoy किया होगा मून भाई की personal life के बारे में जान के और spiritual भी जान के और कैसे उन्होंने production start की उन सब के बारे में जान के आप सब ने बहुत enjoy किया है. इससे पहले कि हम आप सबको बाय बाय कहें, डू फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ अगापे सिस्टर्स, एंड प्रेस द पोस्ट नोटिफिकेशन सो दैट यू कैन बी नोटिफाइड एवरी टाइम वी पोस्ट समथिंग न्यू. पीस एंड रिगार्ड्स, बाय बाय.